हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी पॉइंट। मैं लवली भारद्वाज। मैं आज को शेयर करने वाली हूँ बालों के लिए एक हीना पैक, जो कि बहुत ही आसान है बनाना। और मैंने जो हीना पैक बनाया वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप इस तरीके से ये सारी चीजें यूज करके हीना पैक को बनाते और अपने बालों में इस्तेमाल करते तो आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की शाइनी भी हो जाएंगे। अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी, साथ ही आपके बाल की लेंथ भी बढ़ने लगेगी और बाल से सारी प्रॉब्लम ठीक होने के साथ साथ आपका बाल बहुत ही सिल्की शाइनी और स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं अपने बालों के लिए यही हीना पैक यूज करती हूँ। मैं कोई भी कैरेटीन और कोई भी कलर वगैरह नहीं यूज कर रही हूँ बहुत दिनों से, तो देख सकते हो मेरे बालों में बहुत ही प्यारा सा कलर भी है और बहुत ही सिल्की शाइनी भी है मेरा बाल। तो ये हीना पैक बहुत ही बेस्ट है, अगर आप चाहो तो इसे जरूर ट्राई करना। अगर आप बहुत ही प्यारा सा कलर चाहते हो तो आप इसमें हीना पैक भी यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बालों में कलर नहीं चाहिए, सिर्फ हेल्दी बाल चाहिए, तो आप बाकी सारी चीजें यूज कर सकते हो। अगर पॉसिबल हो तो महीने में 2 से 3 बार इस हीना पैक को बना के यूज कीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप कम से कम 2 बार भी जरूर यूज कीजिए, आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इस हीना पैक को बनाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर न्यू हो, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर हिट करना। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, तो चलिए अब हम ये देख लेते हैं हीना पैक को बनाना कैसे और इस्तेमाल कैसे करना। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने लिया है वो है नूपुर का हीना मेहंदी। ये छोटा पैक है, ओनली 5 रुपीज़ में किसी भी शॉपिंग साइट पे भी मिल जाएंगे और लोकल शॉप पे भी मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरा हेयर का लेंथ बहुत ही ज़्यादा भी नहीं और बहुत ही कम नहीं है, तो आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग क्वान्टिटी ज़्यादा और कम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 हीना पैक लिया है। इसके अलावा भी मैंने कई सारी चीज़ें इसमें ऐड की हैं जो आपके हेयर के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। इसमें मैंने आंवला, रीठा और सीका काई पाउडर भी ऐड किया है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून आंवला, 1 टेबल स्पून रीठा और 1 टेबल स्पून सीका काई पाउडर ऐड किया है। बिकॉज आंवला पाउडर में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो प्री मेच्योर्ड ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को ठीक करते हैं और हेयर फॉल को भी रोकते हैं। साथ ही सिका काई में भी विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी भी पाया जाता है, और इसमें भी प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो आपको इची स्कैल्प से छुटकारा दिलाने के साथ साथ आपके हेयर की ग्रोथ को बढ़ाता है, हेयर को बहुत ही शाइनी और सिल्की बनाने में मदद करता है। इसमें हमने रीठा पाउडर भी ऐड किया है, जो बालों में बहुत ही प्यारा सा कंडीशन करता है, बालों को नरिशमेंट प्रदान करता है और बाल की ग्रोथ बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे बाल को बहुत ही सिल्की और शाइनी बनाने में भी हेल्प करता है। अब इन सारी चीज़ों के बाद मैंने इसमें ऐड किया है चाय पत्ती का पानी। चाय पत्ती को पानी में उबाल लिया है, फिर उसको स्ट्रेन करके मैंने इसमें ऐड किया है। इससे हम इसको घोलेंगे, ये भी हमारे बालों को सिल्की और शाइनी बनाने में हेल्प करता है। साथ ही हमने इसमें विटामिन ई का 2 कैप्सूल ऐड किया है। ये कैप्सूल हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, हमारे बालों से कई तरह के प्रॉब्लम को ठीक करता है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट मैंने इसमें ऐड किया है दही। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ऐड कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, बिकॉज आंवला इसमें ऐड कर चुके हैं। दही में भी विटामिन सी होता है और बालों को सिल्की शाइनी बनाने में ये भी बहुत ही हेल्प करता है, साथ ही बालों से डैंड्रफ की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स करके हमारा ये हेयर पैक रेडी हो चुका है। गाइस, हमने इस पैक को बनाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करी है उनके बहुत ही अच्छे बेनिफिट है, हेयर के लिए बहुत ही बेस्ट है, आपके हेयर से बहुत सारी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। बट अगर आपके पास ये आंवला, रीठा और सीका काई पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास नेचुरल आंवला है तो आप उसको भी, उसका जूस निकाल के यूज़ कर सकते हो, उसके भी बहुत ही अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। अगर वो नहीं है तो नेचुरली दही आपके घर में है तो दही भी यूज़ कर सकते हैं। दही में भी प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होते हैं, ये भी आपको इची स्कैल्प से छुटकारा दिलाएंगे, बालों से डैंड्रफ को ठीक करेंगे और आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाने में हेल्प करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, अगर आप अपने बालों की केयर करना चाहते हो, बालों को बहुत ही नेचुरल तरीके से हेल्दी, सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें परचेस कर लीजिए, ऑनलाइन भी अवेलेबल है और किसी भी शॉप पर भी मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा हीना पैक बनके रेडी हो चुका है। इस हीना पैक को बनाने के बाद 2-3 घंटे छोड़ दीजिए, देन उसको अपने बालों में अप्लाई कीजिए। गाइस, इसको अप्लाई करना भी बहुत ही आसान है और इस हीना पैक में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपके बालों को नुकसान पहुँचा सकते, सारे के सारे नेचुरल इन्ग्रीडियंट है, इसलिए आप इसे अपने स्कैल्प में यानी कि बाल की जड़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हेयर पैक आपको प्री मेच्योर्ड हेयर यानी कि समय से पहले जो ग्रे हो जाते हैं बाल, उनसे छुटकारा दिलाएंगे। आपके बालों में अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है उसे भी ठीक करेंगे। मेरे बाल पहले बहुत ही ज़्यादा फ्रेजी, बहुत ही ज़्यादा रफ हुआ करते थे, और मैंने जब से ये हीना पैक ट्राई करी है तब से मेरे बाल बहुत ही सिल्की और शाइनी हो गए हैं। मैंने कोई भी
केराटिन ट्रीटमेंट नहीं करवाया, बट मेरे बाल नेचुरली बहुत ही ज़्यादा सिल्की और शाइनी लगते हैं। उसका रीज़न यही है कि मैं 2 से 3 बार महीने में इस हेयर पैक को यूज़ कर लेती हूँ समर के टाइम में। विंटर के टाइम में तो नहीं करती हूँ ज़्यादा यूज, बट समर के टाइम में इसको यूज़ करती हूँ और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मैं फिंगर से ज़्यादा कम्फर्टेबली इसे अपने स्कैल्प में भी मसाज कर पाती हूँ, इसलिए मैं फिंगर का यूज़ कर रही हूँ। आप जैसे भी कम्फर्टेबल हो इसको अप्लाई कर लीजिए। इसको अप्लाई करने के बाद बालों में 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ने होते हैं ड्राई करने के लिए। तब तक इसके जो भी गुडनेस है हमारे बालों में चले जाते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहते हो तो इसको बाल में अप्लाई करके छोड़ दीजिए। अगर पॉसिबल हो तो आप महीने में 2 से 3 बार तो ज़रूर अप्लाई कर लो। अगर नहीं पॉसिबल है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता, तो 1 बार ज़रूर अप्लाई कीजिए और आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। तो आप भी अगर इसको ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना कि आपको क्या बेनिफिट मिले या फिर नहीं मिले। जो भी आपका एक्सपीरियंस हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख देना। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने पीछे एक बन बना लिया और पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करने के बाद बना लिया है। अब मैं इसको सूखने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा तब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तो गाइस, फाइनली मैंने हेयर को क्लीन कर लिया है और यहाँ पे नॉर्मल वाटर के हेल्प से ही क्लीन किया। अभी मैंने बालों में कोई शैम्पू नहीं करी है, बिकॉज जब भी मैं ये हिना अप्लाई करती हूँ तो 1 दिन के बाद बालों में शैम्पू करती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलता है, बाल बहुत ही अच्छे दिखते हैं और देख सकते हो बिना शैम्पू किए ही बाल में आपको बहुत ही प्यारा सा साइन दिख रहा है। मैं इसे पहले से यूज़ करती हूँ इसलिए मेरे बालों में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। 1 बार यूज़ करने से आपके बाल ऐसे ही नहीं हो जाएंगे, बट रेगुलरली यूज़ करने से आपको इससे भी अच्छे बाल हो जाएंगे। ओके गाइस, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर से हिट करना। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।